असली तरीके से बच्चे को समझाया जाता है ताकि बच्चे तुरंत समझ जाए। मेरा सपना है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ। आगे चल के बीपीएससी का तैयारी करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर का समझाना, अच्छा लगता है। सपना है डॉक्टर बनना। टीचर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और यहाँ मतलब समझ में भी आता है। मुझे यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है। जीनियस साइंस कोचिंग में आप लोगों को स्वागत है और मैं काचा में हूँ। इस कोचिंग का एक अलग कहानी है। यहाँ से बच्चे बड़े बड़े पदाधिकारी बने हैं पढ़ लिख कर, और आज ये बच्चे भी हैं जो पढ़ रहे हैं, इनके भी कुछ सपने हैं, जानेंगे इनकी कहानी। सर आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं यहाँ पे? बायोलॉजी। मुझे ये जानना है सर, जो बच्चे जो यहाँ पर आते हैं आसपास के ही हैं, लेकिन जब आप पढ़ाते हैं तो आपका भी कुछ एम होगा, कुछ मकसद होगा इस संस्थान से जुड़ी हुई, दर्शक देखना चाहे। वो पढ़ाते हैं जिससे बच्चे भी अच्छे से समझ लेते हैं और हमारा जो भी खुद का भी तैयारी होता है वो भी बेहतर ढंग से हो जाता है। तो सर मैं समझूं जो आपका जो एम ही है पढ़ना और पढ़ाना? हाँ, हमारा एम है पढ़ना और पढ़ाना। बिल्कुल, थैंक यू सर। दर्शकों मैं बता दूँ जो जीनियस साइंस कोचिंग सेंटर में हूँ कांचा में, और यहाँ बहुत जीनियस बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी जो संस्थान के साथ जुड़ी हुई है। क्या नाम हुआ आपका? अर्पना कुमारी। अर्पना, मुझे ये चीज़ बताओ, इससे पहले कहाँ पढ़ती थी आप? सेक्सर जॉन में। और यहाँ पर कब से आ रही हैं आप? 2021। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या क्या अच्छा लगता है यहाँ पर? सर का पढ़ाने का तरीका और सब सर अच्छे हैं। सब सर अच्छे। आपका नाम? सोनाली कुमारी। आप कब से आती हैं? 8 महीना से। कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़? बहुत अच्छा लग रहा है सर का समझाना, अच्छा लगता है, बात और अच्छा लगता है। आपका नाम? नीतू कुमारी। नहीं तो आपको एक चीज़ बताना है, जो इस संस्थान के बारे में अगर दोस्त पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? हम लोग यहाँ मतलब सर टीचर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और यहाँ मतलब समझ में भी आता है, और ऐसे तो हर एक कोचिंग में समझ में आता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग ज़्यादा और बहुत इजी तरीके से। हाँ, वही इजी तरीके से समझाया जाता है। सुरभि कुमारी। आप कब से आती हूँ? मैं 2021 से आती हूँ। जीनियस कोचिंग के बारे में अगर मैं 3 लाइनें पूछूं जो क्या है जो अलग बनाती, तो क्या बताएंगे? मुझे यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के सर जी भी है वो सब भी बढ़िया से पढ़ा देते हैं, इसलिए मुझे समझ में आता था। क्या नाम है आपके कोचिंग? जीनियस साइंस कोचिंग। जीनियस साइंस कोचिंग, थैंक यू। आपका नाम? मनीषा कुमारी। मनीषा कब से आती है? 11th। मनीषा इससे पहले कहाँ पढ़ती थी? न्यू लाइट पब्लिक। यहाँ पर कैसा लगता है पढ़? अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई अच्छा लगता है। पढ़ाई और व्यवस्था अच्छा है। व्यवस्था अच्छा है और डिसिप्लिन? डिसिप्लिन भी अच्छा है। यहाँ पे तैयारी किस तरह कराई जाती है एग्जाम? तैयारी बहुत अच्छे तरह से कराई जाता है, इजीली तरीके से बच्चे को समझाया जाता है ताकि बच्चे तुरंत समझ जाए। बच्चे को इतना अच्छा से समझाया जाता है कि बच्चा पढ़ने के साथ साथ वो एंजॉय भी कर लेता है साथ ही। आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? 8th क्लास से। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब यहाँ पढ़ने आई थी तो कैसा लगता था उस टाइम में? उस टाइम तो अनजान की तरह लग रहा था, लेकिन जब पढ़ने आने लगे तो बहुत अच्छा लगने लगा। स्वीटी, एम क्या है आपका, क्या बनना चाहिए? हम आगे चल के बीपीएससी का तैयारी करेंगे और टीचर। टीचर। आप? टीचर। ठीक है। मैं अर्पना कुमारी, हम जीनियस साइंस कोचिंग में पढ़ते हैं। मेरा सपना है डॉक्टर बनना। मेरा नाम सोनाली कुमारी है, मैं जीनियस साइंस कोचिंग में पढ़ती हूँ। मेरा सपना है पुलिस बनने का। जीनियस साइंस कोचिंग में पढ़ती हूँ, मेरा लक्ष्य है मैं टीचर बन। मेरा लक्ष्य है देश का सेवा करना। मेरा नाम अमीषा कुमारी है, मैं जीनियस साइंस कोचिंग में पढ़ती हूँ और मेरा सपना है कि बिहार पुलिस बनने का। मेरा नाम नेहा कुमारी है, मैं जीनियस साइंस कोचिंग से पढ़ता और मेरा सपना बिहार पुलिस बनने का। मेरा नाम नीलू कुमारी है, मैं जीनियस साइंस कोचिंग में पढ़ती हूँ, मेरा सपना है डॉक्टर। मेरा नाम रानी कुमारी हुआ, मैं जब 12th में आई थी ना तब यहाँ पढ़ने आई थी, पहले नीला कोचिंग में पढ़ती थी और मेरा लक्ष्य है डिफेंस लाइन में जाना। मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं जीनियस साइंस कोचिंग में पढ़ती हूँ, क्लास 12th, मेरा सपना टीचर बनूँ। दिल कुमारी, मैं जीनियस साइंस कोचिंग में पढ़ता हूँ। मेरा नाम स्वीटी कुमारी, मैं जीनियस साइंस कोचिंग में पढ़ती हूँ, मेरा MBBS की तैयारी कर रही हूँ।
मेरा नाम खुशी कुमारी, फादर का नेम केदारनाथ सिंह। मैं जीनियर साइंस कोचिंग में पढ़ती हूँ और टीचर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम रानी कुमारी, मैं जीनियर साइंस कोचिंग में पढ़ती हूँ। मेरा सपना है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ। 2017 से पढ़ रहे हैं। क्या बनना है, एम क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस है कर बॉय। वेरी गुड। आपका नाम? आदित्य कुमार। यहाँ पढ़ के कैसा लगता? अच्छा लगता है, यहाँ का पढ़ाई व्यवस्था ठीक ठाक है। आपका नाम? राम कुमार। ऐसी तीन चीज़ें आपके संस्थान में सबसे अच्छा क्या है? डिसिप्लिन। और देखिए, हर संस्थान में पढ़ाई बहुत अच्छा चलता है, ठीक ना। यहाँ का हमें डिसिप्लिन अच्छा लगा और यहाँ पे जो सर मतलब पढ़ाते हैं, यहाँ का लैंग्वेज बहुत ही अच्छा से हमें समझ में आती है, यही यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा हमें लगा। मेरा नाम किशन कुमार है। और कैसा लगता है यहाँ पर? कैसा? बहुत। एम क्या है? एम JEE का तैयारी कर देंगे। ऑल द बेस्ट, तैयारी करो। मेरा नाम सूर्य देव कुमार। सपना क्या है? लोको पायलट बनने का। बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम सिद्दीका मंजूर है, मैं इंजीनियर साइंस कोचिंग में पढ़ती हूँ और मेरा सपना है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूँ। मेरा नाम यास्मीन परवीन है, इंजीनियर साइंस कोचिंग में पढ़ते हैं और मेरा भी सपना है डॉक्टर बनना। मेरा नाम प्रीतम कुमारी है, मैं इंजीनियर साइंस कोचिंग में पढ़ती हूँ, मेरा आगे का सपना है डॉक्टर बनना। मेरा नाम अंकिता कुमारी है, मैं इंजीनियर साइंस कोचिंग में पढ़ता हूँ और मेरा आगे का सपना है डॉक्टर बनना। आपको क्या बनना? मेरा नाम अंजू कुमारी, मैं जूनियर साइंस कोचिंग में पढ़ती हूँ, मेरा घर सुठगावा है। रूपांजलि कुमार। आप अभी यहाँ पर जो आई हैं इस कोचिंग में, कैसे पता चला आप? मेरी सिस्टर आने यहाँ पर पढ़ती थी जी। तो क्या क्या अच्छी यहाँ पे सुविधाएं हैं जो आपको अच्छा लगता है? यहाँ का पढ़ाई और टीचर लोग सब अच्छे हैं। आपका क्या नाम है बेटा? कविता। आपका सपना क्या है? मेरा सपना है कि मैं IAS बनूं पढ़ लिख कर। अच्छा, इस कोचिंग से कैसे जुड़ी आप? यहाँ मेरी सिस्टर आती थी पढ़ने के लिए तो उन्होंने ही हमें यहाँ लाई। ठीक, तो दर्शकों ये बच्चे हैं जो इनके सपने हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इनके जो फैमिली होंगे वो इन्हें समझते होंगे, इन पर विश्वास करते होंगे, भरोसा करते होंगे। आइए अब कुछ बॉयज से भी जानते हैं। आपके कोचिंग का क्या नाम? इंजीनियर साइंस कोचिंग। मुझे एक चीज़ बताना है, जब बहुत सारे लोग बोलते हैं जिस कोचिंग में गर्ल्स बॉयज कम्बाइंड पढ़ते हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती, तो आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? सर देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि वो किस तरह पढ़ सके, कि मतलब बॉयज़ और गर्ल एक साथ पढ़ सके, तो इसमें स्टूडेंट कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, इस पे निर्भर करता है, अन्यथा और कुछ नहीं। बस यहाँ की विधि व्यवस्था, यहाँ की विधि व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। मेरा सपना अच्छा नागरिक बनना है, लोगों की सेवा करना है। बहुत अच्छा, अच्छा नागरिक बनना, लोगों की सेवा करना। और एक चीज़ बताओ, जो यहाँ पे कोचिंग में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है? यहाँ के शिक्षागण बहुत अच्छे हैं, यहाँ की शासन व्यवस्था अच्छी होती है। गुड़िया परवीन, आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में, किस तरह आपने नॉलेज इकट्ठा की? दोस्त ने बोला। तो 10 दिन में आपने क्या क्या ऑब्जर्व की, ऐसी क्या चीज़ आपको अच्छा लगा जो आपने सोची नहीं मुझे कंटिन्यू पढ़ना चाहिए यहाँ पर? यहाँ का पढ़ाई प्रभाव सब अच्छा लगा। इस कोचिंग के संरक्षक चंदेश्वर शाह, तमाम अभिभावक गार्जियन से अपील करते हैं कि इस संस्था की पढ़ाई लिखाई, अनुशासन और परीक्षा परिणाम को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों को अपने भविष्य बनाने के लिए यहाँ भेजने का कष्ट करेंगे। इसके लिए हम अपनी ओर से, संस्था की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। उत्तम कुमार। उत्तम जी, आप कब से आ रहे हैं? दो साल से। कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ के और विधि व्यवस्था यहाँ का कैसा? ठीक है। कुछ आप चाहोगे जो यहाँ पे कोचिंग में होना चाहिए बताओ, क्या और होना चाहिए? और सब ठीक है, पढ़ाने का स्किल भी सर का अच्छा है, इसीलिए। पढ़ाने का स्किल कैसा? बहुत ही अच्छा है। बोलो ना, पढ़ाने का स्किल बहुत अच्छा है और इनकी टीचर की भावना स्टूडेंट के प्रति बहुत अच्छी होती है। जो सिलेबस भी अच्छा से कम्प्लीट करवाते हैं और परीक्षा की तैयारी
उनका मुख्य होता है जो परीक्षा का तैयारी अच्छा से होना चाहिए। कितने मार्क्स आ सकते हैं इस बार आपके? 90% प्लस। बधाई हो। मेरा नाम ऋषि कुमार, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ 11 फरवरी 2021 से पढ़ने आता हूँ। सपना क्या क्या डॉक्टर बनने का सपना है? आपका सपना क्या है? बिहार पुलिस बनना चाहता हूँ। बिहार पुलिस में? अरे वाह, बहुत अच्छा। हाँ, तो बिहार पुलिस के लिए तैयारी क्या क्या करना होता है? क्या दौड़ सब तैयारी करना पड़ता है, परीक्षा का तैयारी करना पड़ता है, उस तैयारी करना। यही कोचिंग आप पढ़ने के लिए क्यों चुने, जबकि और कोचिंग? कि पढ़ाई यहाँ अच्छा चलता है। यहाँ पढ़ाई कैसा चलता है? बहुत बढ़िया चलता है, अच्छा चलता। मेरा नाम राम कुमार है, मैं जीनियर साइंस कोचिंग में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी के बीच एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, कमेंट्स और लाइक जरूर करें। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले 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 हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। धन्यवाद। मैं एक गीत सुनाने जा रही हूँ जिसका बोल तेरी मिट्टी में मिल जावा है। मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रही तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। सो दर्शकों, मैं बता दूं जो ये साइंस जीनियस कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी मुर्शीद सर हैं। एमडी मुर्शीद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। लाखों दर्शक देख रहे हैं, चाहूँगा जो एक परिचय हो जाए छोटा सा आपको। थैंक यू सर। हम एमडी मुर्शीद जीनियस साइंस कोचिंग के फैकल्टी केमिस्ट्री। हाँ सर, जीनियस में आप कब से जुड़े हैं? 2020 से। सर बीच में कोरोना काल रहा, बहुत मुश्किल का समय रहा, तो उस कठिन समय में आपने संस्थान को किस तरह सींचे? कोरोना काल जो था उसमें हम कोरोना के सारे नियम को पालन करते हुए बच्चे को भी पढ़ाया, और बच्चे को पढ़ाने के बाद अच्छा से तैयारी कराने के बाद अच्छा रिजल्ट भी दिया बच्चा सब। मुर्शीद सर, कितना क्योंकि आप बहुत बड़े पोस्ट पे हैं यहाँ पे, कितना मुश्किल होता है जब बच्चों का एग्ज़ाम का घड़ी करीब आता है? सर अगर माना जाए तो मैं बच्चे जैसे मेहनत करते हैं, मेहनत तो है,
कठिन परिश्रम करने के बाद बच्चे तैयारी करते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा आता है। अगर हम कठिन ले लें तो फिर बच्चे भी कठिन हो जाएंगे, और हमसे आसानी से अगर किसी बच्चे को सरलतापूर्वक अगर बच्चे को तैयारी कराते हैं तो वो और आसानी से तैयारी करके अच्छे नंबर से पास कर सकते। मुर्शी सर, जैसे हमें पता चला है कि इस संस्थान से पढ़ के कई बच्चे सरकारी नौकरी में गए हैं, वो बच्चे वापस कभी आते हैं तो आपको मिल के कैसा अनुभूति होती है? बहुत खुशी होती है जी। आज भी कुछ गांव में कहीं ना कहीं बेटा और बेटी में भेदभाव होते हैं, तो उन पेरेंट्स को आप क्या संदेश देते हैं? सर, भेदभाव तो बच्चे में होता ही नहीं होना चाहिए, और गार्जियन जहाँ तक अगर भेदभाव रखते हैं तो उनको सजेशन दिया देना चाहिए कि बेटी किसी बेटा से कम नहीं होता है। आज अगर माना जाए तो बेटी फतेह पर चढ़ने के लिए सबसे अव्वल स्थान पर बेटी ही है। हमारे हरमनप्रीत कौर को देखे होंगे आप, जो अव्वल स्थान पाई है। तो ये सब सजेशन अगर गार्जियन को दिया जाए तो गार्जियन बेटी को पढ़ाने में उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ता है। बिल्कुल जी। सर, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को और बच्चे को आप क्या संदेश देते हैं जो इस संस्थान से जुड़े, इस संस्थान का फैमिली मेंबर बने? उसको हम अपने कलीग बनाने के लिए बच्चे को अच्छा से अच्छे है ना नॉलेज दिया देते हैं, अच्छे डिसिप्लिन का नियम का पालन करवाते हैं। बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं तो घर पे अगर बच्चे वो गार्जियन के साथ अगर डिसिप्लिन रखते हैं तो गार्जियन का भावना हमारी और ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सो दर्शकों, मैंने कहा था ना जीनियस साइंस कोचिंग, मैंने बताया था ना जीनियस साइंस कोचिंग के बच्चे जो है वाकई में जीनियस हैं और टैलेंटेड भी। मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको राम कुमार जी का सॉन्ग, स्वीटी जी का सॉन्ग बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप अपना प्यार दुलार ऐसे ही हमारे चैनल को देते रहिए। और आज का जो हमारा प्रोग्राम था पढ़ता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर में, कांचा से हूँ, जीनियस साइंस कोचिंग संस्थान की कहानी थी, इस संस्थान के संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।